पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की ओर से नई जिम्मेदारी मिली है। सुबह से ही लोग हर्ष मल्होत्रा को बधाइयां देने उनके घर पर पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनके घर पर उनके चाहने वालों का फूल मालाओं के साथ तांता लगा हुआ है। लोग मिठाइयां लेकर उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। वहीं हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिलेगी उसे निभाना है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि लोग आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके लिए काम करना है। जो भी समस्याएं होंगी दिल्ली में उसका समाधान करेंगे। जो पार्टी की ओर से निर्देश दिया जाएगा उसका पालन करना है। पार्टी संगठन तय करता है कौन सा कार्यकर्ता किस रोल में रहेगा, तो पार्टी ने ये काम तय किया है। दिल्ली की सेवा का, देश की सेवा का अच्छे से निभाऊंगा। जो जनता से चर्चा करके उनको जो जरूरत लगेगी उनके अकॉर्डिंग इस काम को करने की कोशिश करेंगे। इस समस्या का काम केजरीवाल साहब का है, आप लोग उनसे नहीं पूछते हो, उनसे भी पूछो। केजरीवाल साहब के जो मंत्री है आतिश जी, उनसे पूछो। दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पानी मिल रहा है। अब तो माननीय कोर्ट ने भी हिमाचल को डायरेक्ट किया है। ये लोग पॉलिटिक्स करते थे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, यूपी पानी नहीं दे रहा। हिमाचल से कभी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि वहाँ पर इनकी जो कोलिशन वाली सरकार है, तो ये बात उनसे पूछना चाहिए। पूरी दिल्ली प्यासी है, इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं, इन्हें पानी देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां पर सभी मंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जा रही है। टोटल टीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।